हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये मैं आज इस वीडियो में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो कि इस ऑडासिटी, जो काफ़ी यूट्यूबर इसे यूज करते हैं अपने साउंड के बैकग्राउंड के नॉइज़ को कम करने के लिए। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम जैसे कंप्यूटर में अपने रिकॉर्डिंग करके इसमें इम्पोर्ट कर रहे हैं फाइल, वो फाइल इसमें हम सोच रहे हैं कि सही कर दें, अपना नॉइज़ उससे कम कर दें, तो ये नहीं हो पा रहा है। उसमें पता नहीं क्या तो इरर शो हो रहा है, तो वही हम इस वीडियो में उसको फिक्स करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ऑडासिटी अपना एप्लीकेशन खोल लीजिए, तो मैं आपको उसको दिखा देता हूँ उस प्रॉब्लम को। देखिए, जहाँ हम अपने फाइल को खोलेंगे, कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग किया हुआ है ये मेरा फाइल, जो जो ऑडियो का फाइल दिख रहे हैं आप। तो देखिए, एरर इंपोर्टिंग नहीं लिख रहा है कुछ, इसके कारण नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए हमें एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करके प्रेफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको ये सारे सेटिंग दिखेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं करना है। यहाँ पे लाइब्रेरीज का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। तो इसके लिए आपको नेट का ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने कंप्यूटर को नेट से कनेक्टेड रखें। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, विंडोज़, मैक, लिनक्स। इसके लिए करना आप कर सकते हैं, मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे छोटा सा आपको यहाँ पे दिखेगा रीसेट ऑडासिटी ऑन, इसके ऊपर ये वाला आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे खुलेगा रिकमेंडेड इंस्टॉलर, तो ये वाला हमें इस पर क्लिक करिएगा। इसके नीचे मिलेगा हमको ये ऑप्शन, क्लिक करने के बाद वो हमारी फाइल अब आ जाएगी। देखिए यहाँ पर एफएमजी रिकमेंडेड चिप ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा उस फाइल को जिसकी हमकी जो हमें ज़रूरत है। तो ये हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसे सब कुछ कट करके अब शुरू से सकते हैं। इसे भी सब कट लीजिए, इस पीसी में आ जाइए और डाउनलोड में। तो ये रहा, मैंने दो बार डाउनलोड कर लिया गलती से। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करके आप कहीं भी इसे एक्सट्रैक्ट कर लें अपने कंप्यूटर में। तो मैं अपने लोकल डिस्क के गेम्स में न्यू फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो सब काट लीजिए, उसके बाद आपको ऑडासिटी अपना खोलना है। फिर से वहीं पे आपको जाना है, एडिट पे क्लिक करके प्रेफरेंस पे, फिर आपको लाइब्रेरीज में आ जाना है। तो यहाँ पे एफ जी लाइब्रेरी, इसको लोकेट कर, लोकेट पे क्लिक करिए। तो यस कर दीजिए यहीं पे, तो ऑटोमेटिक करिएगा तो अपने आप जहाँ होगा ये फाइल जो ढूंढ रहा है हमारा वहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है आप, तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आप यहाँ पे दिस पीसी जहाँ आप रखे थे पहले, जहाँ एक्सट्रैक्ट किए थे वो डाउनलोडेड फाइल को, तो मैंने लोकल डिस्क डी के गेम्स में किया था। यहाँ पे मिल गया हमें ये फाइल, तो यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ पे भी ओके। तो अब देखते हैं हमारा फाइल ओपन होता है कि नहीं। तो उससे पहले एक बार इसे कट करके फिर से ओपन करते हैं। फाइल ओपन करते हैं, वो वाली फाइल जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ऑडियो यहाँ पे ट्रैक पे आ चुकी है। तो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आप अपने नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं अपने ऑडियो से। तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो आप ज़रूर लाइक कर दें इस वीडियो को। और हाँ भाई, मैं इस यूट्यूब पे नया हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं नया से नया नया वीडियो लाते रहूँगा। प्लीज़ यार, अपने भाई को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके हेल्प कर दो।